सब्सक्राइब कीजिए एचडी टेक्नोस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं एचडी टेक्नोस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गर्मा गर्म फ्रेश कमाल टेक न्यूज हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने MI 12.5 को ग्लोबल लॉन्च करने की डेट अनाउंस कर दी है। 8 फरवरी को फेसबुक पर लाइव इवेंट होगा, उसमें ये MIUI 12.5 को लॉन्च कर देगा। बताया जा रहा है कि चाइना में इसे लास्ट मंथ ही बनाना स्टार्ट किया था और इस टाइम तक उसने बना दिया है। अब ये 8 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें सैंडबॉक्स सपोर्ट और MIUI प्लस सपोर्ट देखने को मिलता है। देखते हैं ये और क्या क्या काम करता है। बताया ये जा रहा है कि ये स्पेशली Xiaomi के MI 11 फ़ोन के लिए तैयार किया गया है। देखिए सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट को एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड वन UI 3.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। ये अभी फेस मोड में जल्दी सब तक सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें लॉक स्क्रीन को इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी A72 5G और A52 5G में इन्फिनिटी और डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ये एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड रहेंगे। इनकी स्क्रीन साइज की बात करें तो A72 5G 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा, वहीं A52 5G 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आ सकता है। बताया जा रहा है कि इन स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ये किस प्रोसेसर के साथ आते हैं। इनकी स्पेक्स पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, जैसे आएगी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ ट्राई की तरफ से। ट्राई ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि एयरटेल 43,70,466 सब्सक्राइबर को ऐड कर ये नवंबर 2020 का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ने वाला नेटवर्क बन चुका है और ये अभी इंडिया में लीड कर रहा है, जिसमें 13 करोड़ सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए। वहीं रिलायंस ने नवंबर 2020 में 19,36,407 सब्सक्राइबर जोड़े। और अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें यानी कि वी की बात करें तो इसने नवंबर 2020 में 28,94,231 सब्सक्राइबर खो दिए। वहीं BSNL ने 18,357 सब्सक्राइबर खो दिए। इस तरीके से देखा जाए तो BSNL और वी जो है यानी कि वोडाफोन और आइडिया जो है वो अभी सब्सक्राइबर को लॉस करते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इनके पास चुनिंदा सब्सक्राइबर ही बचे रहे। वहीं एयरटेल और जियो जो है वो अभी इंडिया का सबसे मेन नेटवर्क बनते जा रहे हैं, जो कि दोनों 5G लाने वाले हैं जल्दी। और अभी कल ही मैंने आपको टेक्निकल बताया था कि एयरटेल जो है वो 5G की टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है बेंगलोर में, तो हो सकता है कि बाद में केवल ये दो ही नेटवर्क देखने को मिलते और आइडिया BSNL वगैरह बिल्कुल पीछे रह जाए। नेक्स्ट ये शाओमी की तरफ से। शाओमी ने मी एयर वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अनवील कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये 5W के से मोबाइल को चार्ज कर सकती है। इसमें आपको ना तो किसी वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसे कहीं एक जगह पर रखने की ज़रूरत है। आप रूम में कहीं भी चलते फिरते जैसे हवा में आप हाथ में लेके भी चल रहे हो तो भी ये काम हो जाएगा। आपके पास उस एक लिमिट है कि 10 मीटर या 5 मीटर का जो रूम है उसके अंदर आप इजीली कहीं पे भी चलते फिरते भी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और इसमें मैं आपको ना तो मोबाइल को चार्ज पे लगाने की ज़रूरत है, बस आप रूम में आए और आपके जो भी डिवाइसेस हैं वो चार्ज होने अपने आप चालू हो गए। देखते हैं ये चार टेक्नोलॉजी किस किस मोबाइल में देखने को मिलती है। क्या आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट 10 को BIS पर रजिस्टर्ड करवा दिया गया है, ये अभी सर्टिफाइड भी हो चुका है। इससे ये पता चल रहा है कि ये इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि ये फरवरी में लॉन्च हो जाएगा।
इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि ये इसी के साथ जो है वो रेडमी नोट 10 प्रो भी लॉन्च हो सकता है, जो कि 4G और 5G दोनों वेरियंट में लॉन्च होगा। इनकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कैसी आएगी मैं आपको अपडेट करवा दूँगा। देख लीजिए सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21, गैलेक्सी S21 प्लस, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा और गैलेक्सी बड्स प्रो, ये सेल पर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे चल रही हैं, जिसमें से गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की कीमत 1,06,000 रुपये के लगभग है। देखने लीजिए वीवो की तरफ से वीवो S70 के बारे में कुछ डिटेल सामने आई, जिसमें पता चल रहा है कि ये Dimensity 820 प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जो कि 8 GB RAM को सपोर्ट करेगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि इसकी स्पेसिफिकेशन S7 से मिलती जुलती हो सकती है। अब देखते हैं ये मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे वीवो ने इसके बारे में अभी तक कोई सी भी डिटेल्स ऑफिशियली शेयर नहीं की है। ये गूगल प्ले कंसोल पे लिस्टेड हुआ था, जिससे ये चीज़ पता चली है। और साथ ही ये भी पता चला है कि इसमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और ये Android 11 पे रन करेगा। इसकी और स्पेसिफिकेशन और कोई सी और डिटेल्स मेरे को अभी तक नहीं मिली है, जैसे मिलेगी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। ओके दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।